देख लो आप, ये डिसाइड। ब्रेकफास्ट भी नहीं नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम लोग जा रहे हैं आज शॉपिंग करने। आज होने वाली है हस्बैंड की शॉपिंग। और विवान को देखो, पूरा यो-यो बना हुआ है। इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ मंदिर दिख रहा है, बहुत अच्छा मंदिर, जिसे मैं हमेशा जाती हूँ, हमेशा दिखाती हूँ। और ये रहा विवान, और पीछे से आ रहे हैं इनके कलीग स्टेला दीवी, पीछे से आ रहे हैं। वो आ रहे हैं स्कूटी पे और हम लोग जा रहे हैं बाइक पे। सामने इस तरफ ना यहाँ शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति, यहाँ पे सत्संग वगैरह होता है कि पता नहीं क्या होता है, मैं हर बार इसको देखती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। और विवान बहुत खुश है आज, क्योंकि विवान बाइक पे, गाड़ी से ज़्यादा विवान हमेशा बाइक पे ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है अपने पापा के साथ चश्मा लगा के हीरो बन के चला होता है वो। मुझे, मैं पीछे देख रही हूँ, वो मुझे पीछे दिख नहीं रहे हैं। और मैंने हस्बैंड को पूछा कि वो कहाँ जा, तो पीछे ही है वो, और वो आ रहे हैं पीछे और हम लोग चलो। सबसे पहले मुझे दिखते हैं विवान के कपड़े। ये तो वो छोटा होगा, ये साइज होते हैं ना, जाओ देखो तो अपने कपड़े। ये कमीज भी अच्छी है, चार से। तो आज हम लोग दोनों ही, मैं और स्टेला दी, हम दोनों ही शॉपिंग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ विवान के लिए। मैं विवान के लिए भी नहीं करने थे, सिर्फ हस्बैंड के लिए, और वैसे हस्बैंड के लिए ही करने थे, पर मैं विवान के लिए कुछ ना कुछ दिख जाता है तो मैं हमेशा देख ही लेती हूँ। तो विवान हस्बैंड वहाँ पर डिसाइड करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पिंक मुझे दिखा रहे हैं, कुछ वाइट मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे ना यहाँ पे सच बताऊँ पता नहीं कुछ कलर ऐसा है कि क्या है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो वो मुझे बार बार बता रहे हैं कि हाँ यार, तुम हमें शूट करी जा रही हो, तुमको यही है, और मुझे बता नहीं रही तुम मुझे क्या पहनना है। मैं बोला यार आप आए, आपने बोला मुझे जाना है मेरी, मैं उस दिन आप लोगों ने दो बार आपने शॉपिंग की, मुझे नहीं बोला, मैंने मेरी शॉपिंग नहीं की, मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैं क्या करो ना शॉपिंग अब। तो वो उसी बात पे फिर थोड़ी देर बस टहला दी, उनको शॉपिंग कराने लगे कि तुम ये ले लो। और सच बताओ 399, 170 ऐसे ऐसे बच्चों के कपड़े थे, और टी शर्ट्स भी थी, मतलब जो कि आप आजकल जूडियो वैसे भी बहुत 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 ट्रेंड में चल रहा है, लोग बहुत सारे जूडियो को पसंद कर रहे हैं। तो विवान को तो जब भी मॉल में जाता है वो खुश हो जाता है, मज़े में हो जाता है, उसको लगता है कि यार एक अच्छी जगह पे आ गया हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं इनको कुछ चूज़ करवा देती हूँ, क्योंकि उनको खुद को कुछ पसंद तो आना नहीं है। तो वो ट्राई करने चले गए, और शर्ट्स मुझे ये शर्ट अच्छी लगी, तो मैंने इसको यस बोला कि हाँ ये आप ले लो। और विवान जो है कपड़ों के बीच में छुप गया है वो वैसे अपनी शर्ट लेके घूम रहा है कि मुझे ये शर्ट लेनी है, और वैसे उसको लेके घूम रहा है। सेकंड ये वाली मुझे ओके ओके लगी, तो मैंने इसको मना ही कर दिया कि मैं कर रहने, तो कुछ ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लग रही, अच्छी थी बट इतनी अच्छी नहीं है। और ये हूँ मैं जो कपड़े, इनके कपड़े लेकर अरे परे भाग रही। तो कपड़े हो गए हैं डन, और नीचे वाले उसमें जो बिलिंग है नीचे वाले काउंटर पे होने वाली है, यहाँ ऊपर मना कर रहे थे तो हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना मुझे ये बैग, मैंने एक्चुअली एक ले लिया है, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने एक लिया था मेकअप के लिए, तो मुझे वो अच्छा लगा था। यहाँ पे भी अच्छे हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ओके के वाले अच्छे हैं। और जहाँ भी जाओ नेल पेंट तो दिख ही जाते हैं यार, तो मुझे कलर्स में नेल पेंट में देख रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि ना लूँ तो ठीक है यार, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा है और वही मुझसे नहीं लगाए जाते हैं। तो विवान यहाँ पे छेड़खानी कर रहा है, और ये एक भी चीज़ ने तोड़ दी ना भरनी पड़ जाएगी हम लोगों को। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो इसको तो हर चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या है ये क्या है, उखाड़ के देखेगा, कुछ कुछ करके देखेगा, नेल पेंट देख रहा है वो इसको, मतलब जब भी आप कहीं जाओगे तो बच्चों को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है, सबसे बच्चों को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसके बाद ना मैंने सोचा मैं एक आध चीज़ में खुद के लिए देख लेती हूँ कि कैसी लग रही है। और ये हस्बैंड को मैं ये दिखा रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा था वाइट कलर, बट इन्होंने मुझे मना किया, बोलते यार इतना भी अच्छा नहीं लग रहा वाइट, तो मैंने इसको मना कर दिया और नहीं ली ड्रेस मैंने। तो आज की बिलिंग जो है वो स्टेला दी ने की, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कुछ डील हुई थी, पता नहीं क्या हुई थी। कैसा लग रहा है आपको यार शॉपिंग करके? हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब चिट्टू सा बिठाया आपने, वो इतने पैसे खर्च कर दिए मेरी बड़ी, मैंने बोला साड़ी लेनी है तो बोलते नहीं नहीं अब नहीं लेनी, घर चलो बोलो चुपचाप। पिछली बार भी मैंने कुछ नहीं लिया था, दो तीन चीज़ें ली थी बस। आई हेट यू ऊपर उसके पीछे ना फोर्ड दिख रहा है, पर उसका दिख रहा है इसे बहुत फास्ट चलाते हैं ये स्कूटी, पता है आपको। अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने, जो कि हम सुबह से ब्रेकफास्ट ही किया था, और टाइम हो रहा है, एक टाइम दिख रही थी 12 बज गया, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी ऑर्डर किया है साउथ इंडियन फूड, इसको बोलते हैं बड़ा, और
टेस्ट करके दिखा दूँ, बताओ मुझे कैसा। मैंने आपको खा, मुझे डोसा खाना है, आई लव डोसा। विवान आ जाओ, जूस आइसक्रीम ले, आइसक्रीम लेके आओ उसके लिए। आप इधर आओ ना, फिर इधर आओ, पहले आइसक्रीम देते फिर आपको। विवान मत गंदा, अच्छा यार बहुत सस्ती है। बच्चे मन के सच्चे, वो बस पापा की टांग पकड़े, उसको पता है आइसक्रीम वहीं से मिलने वाली है, तो वहीं जा रहा है बार बार। चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो, आराम से। आपने क्यों लिया होगा? मुझे साउथ इंडियन जो ब्रेकफास्ट रहता है इतना पसंद है ना, डोसा बड़ा, स्पेशली इडली जिसको मैं कई टाइम पहले पसंद नहीं करती थी, अब ना मतलब इतना ज़्यादा पसंद है मुझे। सबसे लाइट और सबसे अच्छा ही ब्रेकफास्ट यही लगता है साउथ इंडिया का, क्योंकि बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा होता है यार, मज़ा आ जाता है खा के। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों ने पीनी है अभी चाय, क्योंकि चाय के बिना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि लास्ट में जो होता है ना चाय, एक बड़ा मतलब उसकी वेली वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती, जो चाय पीता है उसको उसकी फीलिंग पता होती है कि चाय जो होता है ना खाने के बाद चाय पीना, मुझे तो बड़ा पसंद है। और इसके बाद हम लोग चल पड़े मंदिर में, शायद कोई काम वाम चल रहा है, शायद कोई त्यौहार वगैरह आ रहा है, बहुत बड़ा मंदिर है यार, बड़ा सुंदर। यहाँ ना रात को आरती होती है तो घर तक सुनाई देती है यहाँ पे ना, तो ये वाले क्यों इतने महंगे हैं? बनाना और ग्रेप्स लिए मैंने, सुनो बनाना इतने अच्छे थे ना, और 50 rupees के थे दर्जन, इतने अच्छे मतलब वो क्लीन यार। अब अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचे, इतनी गर्मी है बेलारी में, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पूरा से पूरा शरीर ऐसा लग रहा है कि जल रहा है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। पानी के लिए ना धरती से पानी दिख नहीं रहा कहीं पे यार, कहीं पानी है, इतना भयंकर भयंकर वाली गर्मी है यहाँ पर यार, भयंकर एक होती है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी, वो वाला हिसाब हो गया है यहाँ पर। और कुछ टाइम तो अभी तो बारिश तो पता नहीं होगी नहीं होगी, अब तो बारिशें बहुत कम होती हैं, बारिश के दूर दूर तक तो कोई आसार नहीं है, और इस हिसाब से रहा तो मैं तो जल जाऊंगी यहाँ पे यार। मतलब यहाँ पे तो हम लोगों को तो फिर भी ठीक है, हम लोग अंदर रहते हैं, बाहर जो काम कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा यार, मैं ये सोचती हूँ उनको तो बहुत बुरा हाल होगा गर्मी से, गर्मी से तो मतलब इस लेवल की गर्मी मैं आपको दिखाऊँगी आप लोगों की, हे भगवान ये कहाँ रहते हो आप लोग, बारिश की मतलब ऐसे बूंद देखने के लिए तरस गए हम लोग। तो रात को थोड़ा ठीक होता है मौसम, अदरवाइज आज तो भयंकर गर्मी है यार, भयंकर, मेरे पसीने से देख सकते हो इतना पसीना पड़ रहा है मुझे, देखो भयंकर गर्मी है यार। चलो मैं जा रही हूँ अभी नहाने, क्योंकि सब लोग नहाने चले गए हैं, विवान भी नहा के बैठा है, नहा के फिर करते हैं हम लोग खाना, तो बाहर खा के आए हैं, अभी लंच बनाएंगे, लंच क्या डिनर भी साथ में हो जाएगा ऐसा। मैंने अभी मटका भी निकाल दिया है, क्योंकि मटके वाला पानी अच्छा होता है, ठंडा रहता है, तो मैंने मटका भी निकाला है ताकि थोड़ा ठंडा और अच्छा रहे पानी, नहीं तो वैसे तो बहुत गर्म पानी आ रहा है यार, हाथ नहीं लगाया जा रहा पानी से, इतना गर्म पानी। तो यहाँ पे देख रही हूँ मैं एनिमल का एंड, क्योंकि मैंने आधा 2-3 हफ्ते पहले देखा था शायद, और इसके साथ मैंने अभी बनाना खा के फिनिश किया, और एनिमल कैंट देख रही हूँ, और ये जो सीन आता ना ये बड़ा डेंजरस है यार, ये तो मैंने मतलब देख के मैं टीवी में इतनी मुझे तो अजीब सा फील हो रहा था, थिएटर में देखती तो मेरा क्या हाल होता, मतलब ख़तरनाक मूवी यार। पर आजकल के हिसाब से इतना मारकाट थी ना इसमें, मतलब विवान को दिखाने लायक नहीं थी, विवान को सुला दिया था, उसके बाद हम लोग देख रहे थे ये। मैंने सीन उस टाइम भी इसलिए नहीं देखा था क्योंकि विवान साथ में था, इसलिए मैंने ये सीन नहीं देखा था। तो हम लोग शाम के अभी बाहर आए, और यहाँ पे फ्रेश फ्रेश समोसे बन रहे हैं, और यहाँ पे राजस्थानी है एक शॉप, वहाँ बनते हैं, पूरा हिमाचल वाला जैसा होता ना, यहाँ पे कहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग घर आए और आइसक्रीम खाई, सबने आइसक्रीम खाई, और क्योंकि वो जो स्टेला दी हैं वो जाने वाले हैं घर, वो बोल रहे थे कि मैं चली जाती हूँ कल ऑफिस भी जाना है, तो हम लोग बैठे हुए थे और हम देख रहे थे एक मूवी है, पता नहीं उसका नाम मुझे देख रही हूँ क्योंकि मैंने देखी नहीं, हस्बैंड ही देख रहे थे। अच्छा बोलता ना, माँ को डिस्क्राइब करो,
नाली की पिक्चर हमेशा मैंने आज दिन तक ना वो पिछली जो आई थी ना दशहरा वो थी खराब थोड़ी सी ऐसे ही बेकार सी बात ना आज दिन तक ऐसी कोई खराब पिक्चर नहीं देखी मैंने। आप और विवान आधा पी लेना है ठीक है नारियल पानी दो आप आज हम लोग पी के आए हैं तो हम लोग अभी दो घंटा लगा के सब्जियाँ लेके आए हैं और सब्जी में लेके आए पम्पकिन एंड ये मुझसे खुल गया एक एक मैंने कॉर्ड लेके आई क्योंकि चाहिए था विवान की सरप्राइज वाली जिन बहुत ज़्यादा ये पसंद करता है ये लेके आए साथ में बन रही है चाय समोसे लेके आए यहाँ पे एक बहुत अच्छी वाली राजस्थान वालों की शॉप है उनसे बीन्स 60 रुपीज़ केजी है ना एंड यह एक किलो ये भी 60 रुपये किलो है ये इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बीट रूट सॉरी और सर एक क्या लेके आए भिंडी एक नहीं मतलब किलो भिंडी और ये ब्रेड विवान के सुबह के स्कूल के लिए और ये आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छे अंगूर का सीज़न चला हुआ है यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा ये मीठे हैं बहुत मीठे देन बनाना 50 रुपीज़ 12 दर्जन एंड बंजी तो बंजी है चाय और चाय के साथ हम लोग खाएंगे समोसा और बालों में मुझे आज ऑयलिंग नहीं करूँगी यार कर भी सकती हूँ कल मंडे है बाजार नहीं करूँगी चाय और ये सारा सामान मैंने ऐसे बिखेर के रखा हुआ है विवान को पहले बनाना देती हूँ खाता है क्या शीशे गिलास में चाय और एक है इनका तो एक का फ़ोन मुझे बंद करना पड़ेगा नहीं तो फिर ये मैं ले जा नहीं पाऊँगी कहाँ रखूँगी इसको चलो फिर कैमरा बंद पहले ये बताइए कौन लेके आया आपके लिए ये कौन लेके आया ये क्या है पहले ये क्या है बताओ ना क्या है ये पहले ये क्या है ये ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके बताओ ओम नमः शिवाय फोन टूट जाएगा ये बहुत अच्छा लग रहा है आपका थैंक यू बोलो मम्मा को थैंक यू बोलो